ये सरकारी विभाग शिक्षा विभाग के वर्तमान में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो कार्यरत पदाधिकारी हैं वो ऐसी यथा स्थिति बना दी है शिक्षकों के समक्ष कि वो लाचारी और बेबसी का रोना रो। ये आतंकी रवैया है, आतंकी और तानाशाही रवैया है। किसी के स्वाभिमान से, किसी के पर्व त्योहारों से ये छेड़छाड़ है। कभी वो अवकाश तालिका में छेड़छाड़ करते हैं, कभी उनकी समस्याओं पर छेड़छाड़ करते हैं। दीपावली और छठ पूजा आ रहा है, ऐसे में शिक्षकों के द्वारा अवकाश की मांगे की जा रही थी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कल यह बयान दिया कि इसको लेकर हम विचार कर रहे हैं और ऐसे में शिक्षकों की मांगों को पूरी करेंगे। देखा जाए तो एक दिन का और छुट्टी छठ पूजा को देखते हुए बढ़ा दिया गया है, लेकिन शिक्षक अभी भी खुश नहीं है। इसको लेकर लगातार शिक्षकों के द्वारा कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर जो बिहार में बाहरी शिक्षक बहाल हुए उनके द्वारा कई तरह का सवाल उठाया जा रहा है। और यह साफ कहा जा रहा है कि दीपावली को देखते हुए जिस तरीके से एक दिन की छुट्टी दी जा रही है ये बिल्कुल उचित नहीं है। दूर दराज से आने वाले शिक्षक आखिरकार एक दिन में जाएंगे तो जाएंगे कैसे घर, अगर जाते हैं तो एक दिन में वापस कैसे आएंगे। कई तरह के बड़े सवाल उठ रहे हैं अवकाश को देखते हुए। ऐसे में बात करने के लिए अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा उत्सैलू है, जुड़ेंगे बात करेंगे। शैलेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। शैलेंद्र जी आपसे सवाल है, अवकाश को देखते हुए एक दिन की छुट्टी बढ़ाई गई है, यानी कि 6 तारीख को छुट्टी दे दी गई है, इसको कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे दीपावली और छठ पूजा के अवकाश को जिस तरीके से शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया शिक्षकों को। शिक्षक अभी वृद्धाश्रम का सदस्य है, उसकी मर्जी से चलना है, उसकी मर्जी से रहना है, उसकी मर्जी से खाना है। ऐसी स्थिति में शिक्षक बेबस की जिंदगी जी रहा है। शिक्षकों के सामने अभी वर्तमान समस्याओं की पहाड़ है, भीड़ लगी हुई है, ये बेबस हैं और इनको लुभावने और ऐसे जैसे ग्रीष्मावकाश और जितने जो पर्वों त्योहारों में जो अवकाश दिए गए थे 62 दिनों का, वो संशोधित करते करते अभी 22 दिनों का हो गया है। 40 दिनों तक ये सरकारी विभाग शिक्षा विभाग के वर्तमान में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो कार्यरत पदाधिकारी हैं वो ऐसी यथा स्थिति बना दी है शिक्षकों के समक्ष कि वो लाचारी और बेबसी का रोना रो रहे हैं। कभी वो अवकाश तालिका में छेड़छाड़ करते हैं, कभी उनकी समस्याओं पर छेड़छाड़ करते हैं, कभी उनकी नियुक्ति में विभिन्न प्रकार के संशोधन और विभिन्न प्रकार की जांच निरीक्षण इत्यादि का तो आदेश डालते हैं, प्रतिदिन एक नया आदेश होता है। तो अवकाश की समस्या तो श्री के पाठक ने ही रख दिया था जी। ग्रीष्मावकाश में शिक्षक बेबस होकर विद्यालयों में रहे, गैर शैक्षणिक कार्यों में रहे, गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया गया। पड़ताड़ना की चाबुक श्री के पाठक ने चलाई थी और आज अवकाश जो इनका अधिकार है जी, एनसीई एक्ट के तरह इन्हें अधिकार मिला है, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे को पर्वों से महरूम किया जा रहा, वंचित किया जा रहा जी। और ये जो सरकार में जो सनातनी मूल्य हैं, जो पद यात्रा कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और धर्मों के प्रति जो उन्माद फैला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, इसके पूर्व में भी तो महागठबंधन की सरकार थी, वह भी चुप थी। सरकारी महकमे के जितने लोग हैं शिक्षकों की पड़ताड़ना होने पर खुशी जाहिर करते, स्थिति ऐसी बनी हुई है कि शिक्षक न अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, न परिवार के यहाँ जा सकते हैं। ये खुशियों का पर्व है, त्योहार है और विशेषकर ये पदाधिकारी और सरकार मौन होकर गुप्त रूप से एजेंडा चला रही है। अच्छा, ऐसे सिद्धार्थ तो कुछ बयान नहीं दे रहे, ऐसे में शिक्षा मंत्री का कल बयान आया था शैलेंद्र जी, उन्होंने कहा था कि इस पर विचार की जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, हमारे द्वारा, और ऐसे में मामला जो है हमारे संज्ञान में आया है, उसको लेकर एक दिन की छुट्टी बढ़ाई गई, लेकिन दीपावली को देखते हुए कोई प्रावधान नहीं निकाला गया, दीपावली की छुट्टी नहीं बढ़ाई गई। तो ऐसे में बाहरी शिक्षक जाए तो जाए, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, क्या ऐसे में जो बाहरी शिक्षक है वो करे तो करे क्या, लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये अभी जो स्थिति बनी हुई है ये सरकार के सह पर है, और अगर ये डबल इंजन की सरकार में अगर सह नहीं मिलता तो ये विभाग के पदाधिकारी इस तरह का ये करते क्या,
ये यातना है या अंकुश है, क्या गुणात्मक शिक्षा में यही परिवर्तन लाने का यही तरीका है कि उनकी खुशियों को छीन लें आप, उनके परिवार की खुशियों पर आप अंकुश लगाएं, वो अपने परिवार से मिले नहीं, यह तो अजब विडंबना है। क्या है सरकार, क्या चाह रही है? और शिक्षक भी, संघों शिक्षक के जो संगठन है वह भी कुछ नहीं बोल रही है। एक दिन की छुट्टी बढ़ाई गई, कहां 7 दिनों की छुट्टी होती थी, कहां 1 दिन बढ़ाया गया, क्या हुआ? और 1 दिन में ही सरकार जो शिक्षक हैं खुश हैं, विशेष का छूट में छठ पर्व पर, लेकिन दीपावली में जो बाहर के लोग हैं क्यों डोमिसाइल नीति पर आपने ही किया? कई राज्यों के शिक्षक हैं, उनको छुट्टी नहीं है, 1 दिन की छुट्टी है दीपावली जैसे पर्व में, वो कहां जाएंगे? 4 दिन की छुट्टियों में कहां जाएंगे? 11 तारीख से परीक्षा है, कि कौन सा विभाग और सरकार का रवैया माना जाएगा? शैलेंद्र जी, जो रवैया अपनाया जा रहा है, आतंकी रवैया है, आतंकी और तानाशाही रवैया है। किसी के स्वाभिमान से, किसी के पर्व त्योहारों से ये छेड़छाड़ है। इस पर इसका विरोध होना चाहिए और डटकर विरोध होना चाहिए। शिक्षकों की पिटाई हो रही है, शिक्षकों को खींच खींच कर अपराधियों के द्वारा पीटा जा रहा है, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है और वहां के शिक्षा पदाधिकारी जो है वह कहते हैं जांच होगा, देखा जाएगा, जांच के लिए हम भेज रहे हैं। शैलेंद्र जी, ये आतंकवादी और तानाशाही रवैया कौन बिहार में अपना रहा है शिक्षकों के साथ? ये बिल्कुल बिहार सरकार इसके लिए जिम्मेवार है जी। ये सभी आत्ताई कार्यों में और तानाशाही जो ये आदेश निकल रहे हैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं, किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले रहे हैं। और शिक्षा मंत्री की क्या मुराद है? ये तो शुरू से शिक्षा मंत्री इस तरह का, ये शिक्षा के, ये तो IPS रहे हैं, इनको क्या मतलब है शिक्षा से या गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के लिए? इसके पहले भी मंत्रियों ने कहा कि बिहार में शिक्षक के पास योग्यता नहीं है। ये तो शिक्षकों पर, तो क्या ये शिक्षक शांत नहीं बैठेंगे? अब क्या आप लोग शांत नहीं बैठेंगे? क्या संघ शांत नहीं बैठेगा जो आपका संघ है? शिक्षक तो समाज को राह दिखाता है, राष्ट्र के लिए भविष्य तैयार करता है, या थोड़े ही इसका खिलाफ करेगा धैर्य रखे हुए, और धैर्य का परिणाम बहुत बुरा होता है। किस तरीके का परिणाम की बात कर रहे हैं? परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा, उपचुनाव में ही देखने को मिलेगा, और अगले विधानसभा के चुनाव में। और जितने शिक्षक प्रतिनिधि हैं एक पैड का दुरुपयोग करते हैं, जितने संघ हैं पैड का दुरुपयोग करते हैं, कौन सुनने वाला है पैड पर? जब तक सड़कों पर आंदोलन नहीं होगा, आंदोलनरत नहीं होंगे जमुई के शिक्षक, पूरे उस प्रखंड का जहां शिक्षक को पीटा गया वहां के सारे स्कूल बंद है, एकता का परिचय उसने दिया। और यह मुहिम पूरे बिहार में चलना चाहिए, आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी समय एक एकता बनाकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूके आंदोलन का। दीपावली और छठ और सारे शिक्षक मांग करेंगे शैलेंद्र शर्मा और आपका संघ? मैं मांग करता हूं कि 62 दिनों का अवकाश मिले, और नहीं मिले तो उसके बदले उपार्जित अवकाश की व्यवस्था हो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, जो उपार्जित अवकाश का उपभोग किया जाता है वही व्यवस्था होनी चाहिए, तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक अपने कार्य और राष्ट्रीय भविष्य, राष्ट्र के भविष्य को नई राह देंगे। और सरकार जब तक यह नहीं करेगी इसके परिणाम बुरे होंगे। देखिए जब तक ये और आगामी जो इसका परिणाम बुरा, 6 लाख अवकाश की मांग कर रहे थे शैलेंद्र शर्मा, और ऐसे में शैलेंद्र शर्मा शैलू का यह साफ कहना है कि एकजुटता जो है वो शिक्षकों को दिखानी होगी, अगर एकजुटता नहीं दिखाते हैं तो ऐसे में शिक्षकों के साथ इसी तरीके का कहीं ना कहीं रवैया अपनाया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा,
और पदाधिकारियों के द्वारा। ऐसे में अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा थे हमारे साथ। शैलेंद्र शर्मा ने यह साफ कहा है कि ये रवैया जो है तानाशाही आतंकवादी रवैया अपनाया जा रहा है बिहार में शिक्षकों के साथ, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में अखिल भारतीय शैक्षिक संघ हो या फिर शैलेंद्र शर्मा हो या फिर शिक्षक हो, वो शांत नहीं बैठेंगे। आंदोलन या फिर आर पार का ऐलान कर रहे थे शैलेंद्र शर्मा, शैलू वही क्या कुछ कहे थे अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।